छुटकारा जी कानून बना दी दहेज पर हर बेटी फरियादी बा दहेज मिटा दी मोदी जी लेकिन के होत ना शादी बा अब काते अपन सब दिखावे लगेला भैया गरीबी जब सतावे लगेला भैया गरीबी जब रोवावे लगेला घूमे खाती आवेला विदेशी लोग सगरी हो जिला कुशी नगर हो बुध जी के नगरी हो केस्टा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से रील बनावे घर के बहुरिया नाचे घुघटा उठाई जमाना बदल गईल। नमस्ते, मैं हूँ राम बदन। हमारे साथ एक ऐसी सिंगर आज मौजूद हैं जो आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और पूरे देश में आजकल वायरल चल रही हैं, खूब सारा सुर्खियां बटोर रही हैं। हम वही वायरल गर्ल है, नाम तो आपने सुना होगा, पूनम कुशवाहा। इन्होंने एक गाना गाया था रील बनावे घर की बहुरिया और उसी रील गाने के वजह से पूरे देश में ये पॉपुलर हुई थी और अचानक से सोशल मीडिया पे इनका ग्राफ ऊपर आया था। आज के इस दौर में जहां भोजपुरी समाज में ऑडियो के माध्यम से वीडियो के माध्यम से लगातार अश्लीलता परोसी जा रही है भरपूर मात्रा में, वही पूनम कुशवाहा इस अश्लीलता के पुरजोर विरोध करती हैं और साफ सुथरे गाना गाती हैं और उसी साफ सुथरे गाने को लेकर के आज ये चर्चा में बनी हुई है। हम बात करेंगे उनसे। सबसे पहले यूपी जी न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले यूपी न्यूज के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या मेरी आवाज को पसंद कर रहे हैं उन सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। खास करके आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारे लिए समय निकाल के हमारे घर तक आप लोग आए। एक छोटे से गाँव से निकल करके, छोटे से परिवार से निकल करके इतना वायरल हो रही है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और ये सब हम लोग का मेहनत का फल है, हमारे ऑडियंस का आशीर्वाद है। वर्तमान में कौन सा एल्बम आपका आया है, बहुत वायरल चल रहा है, कौन सा गाना है वो? जी जी, देखिए बहुत ही प्यारा ये गाना हमारा है, सामाजिक मुद्दे पे गीत मैं गाई हूँ। पहले मैं गाई थी रील बनाओ घर के बहुरिया, सेम वैसे ये भी गाना है जो कि दीवाना म्यूजिक फिल्म यूट्यूब पे आप लोग सर्च कीजिएगा। बहुत ही प्यारा गीत हमारा है जो कि चल रहा है। शादी के किस्सा जब चलल गावे देहाते से, शादी के किस्सा जब चलल गावे देहाते से, ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से, बुढ़ऊ चाचा अमरी दबा में देखी के दाते से, ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से, पहले के शादी में घर के औरत खाना बनावत रहे, बाहर से आवस नाचे वाला बतिया सभे कहे, अब तो उल्टा हवा बहता हरदी के राते से, ऑर्केस्ट्रा भी फीका पड़ जाता मेहरारू के नाचे से। ये गाना जो आपने गाया है बहुत ही बढ़िया गाना है और बिल्कुल ऐसा समाज में आज हो रहा है, तो ये ऐसे कहाँ से आपके मन में आया? देखिए क्या होता है कि जो लिखे हुए इस गीत को अदरी रविंदर चौहान जी, अब वो कहाँ से ऐसे ऐसे शब्द अपने दिमाग में लाते हैं और लिखते हैं वही बता सकते हैं। अच्छा, आप जो गाना गाती हो खुद लिखती हैं, आपके राइटर हैं? नहीं नहीं, मैं लिखती रही हूँ और मैं जितना भी गाना गाई हूँ, पहले के जितने भी हमारे गाने वायरल हुए हैं और आज हम लोग हफ्ते में दे रहे हैं वीडियो सहित गाना, एक बाई एक करके गाना दे रहे हैं हम लोग, तो सारा सारा आदरणीय रविंदर चौहान जी लिखते हैं गाना को और जो कि दीवाना म्यूजिक कंपनी के मालिक हैं जी। पहला गाना कौन सा आपका वायरल हुआ था? सबसे पहले देखिए जब मैं सूरत गई थी संगीत सीखने के लिए, तो वही मैं ये गीत गाई थी रील वाला, जो कि बहुत ही हमारे ऑडियंस लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इसी गाने से हमें नाम मिला, पहचान मिला, 10 लोग मुझे जान। इस गीत को मैं सुनाती हूँ आपको। रील बनावे घर के बहुरिया
नाचे घुगुटा उठाई जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल, जींस पहिन के नव की छोकरिया नाचे वीडियो बनाई जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल, फेसबुक पर फोटो डाले रोज ही हो फिल्टर मार के धैले बना सासगरो बियाह लयौरी कुआर के लाइक कमेंट के फेरा में जाली सगर काम भुलाई जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल, रील बनावे घर के बहुरिया नाचे घुगुटा उठाई जमाना बदल गइल, जमाना बदल गइल। आप कितने दिनों से गाना गाती हैं और गीत गाने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? देखिए मुझे इस लाइन में आए हुए कम से कम साल भर हो गया, साल भर से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ और आगे भी मैं संघर्ष करना चाहती हूँ, संघर्ष मुझे करना है। और देखिए ऐसे नॉर्मल लड़कियों की तरह मैं घर में काम काज करती थी, मुझे कोई शौक नहीं था मुझे मैं इस लाइन में आऊँ, न चाहते हुए भी मैं इस लाइन में आ गई। और हमारे ऑडियंस लोग पसंद करने लगे, नहीं आपकी आवाज अच्छी है, आप अच्छी गा रही है। उसके बाद से मुझे अपनी ही आवाज थोड़ा लगा कि नहीं लोग तारीफ दे रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा है तो मुझे करना चाहिए, और मैं करना चालू कर दी गाना गाना। मनीष पत्रकार के ऊपर भी आप एक सॉन्ग गाई थी, बहुत वायरल हुआ था, वो गाना कहाँ से आपके विचार में आया था? वो गाना लिखे थे आदरणीय रविंदर चौहान जी, और सबसे पहले इस गीत को मैं गाई थी जब उनको अभी क्या होता है कि बंद थे वो, उसी पे मैं गीत गाई थी कि कम से कम उनको लोग रिहा करें। और इससे पहले एक और मैं गीत गाई थी, और जितने भी हमारे पत्रकार भाई लोग उनके सम्मान में मैं इस गीत को गाई थी। हिट होखे खातिर कैसन कैसन गाना लोग गावा तालो हो, नाम करे खातिर कैसन कैसन गाना लोग गावा तालो हो, अपने देशवा के सान मीडिया वाला के इज्जत डुबावा तालो हो, अपने देश के धरो हर पत्रकार के इज्जत डुबावा तालो हो। देखा जा रहा है कि वर्तमान में भोजपुरी समाज में अश्लीलता परोसी जा रही है, और लोग कहते हैं और आप भी कहते हैं कि अश्लीलता के विरुद्ध आप हैं, तो क्या भविष्य में आप अश्लील गाना गाने वाली हैं, या जो वर्तमान में गा रहे हैं लोग उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मुझे अश्लील गाने से बहुत ही नफरत है, बहुत ही नफरत, मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। और मैं साफ सुथरा छवि में ही अपना नाम बनाई हूँ आज तक, और आगे भी बनाना चाहती हूँ। मुझे ऐसे कारनामे नहीं करना, ऐसे अश्लील गाना नहीं गाना जिससे लोग गाली दें, आने वाले कर्म में लोग गाली दें, तो मैं इसे इसीलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा गाना नहीं गाना है, मुझे साफ सुथरा छवि में आगे बढ़ना है और इसी में बढ़ना चाहती हूँ। क्या लगता है आपको लोग अश्लीलता ज्यादा पसंद कर रहे हैं उन सिंगरों के मुताबिक, तो आप साफ सुथरा गाना गाएंगे तो लोग सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई लोग कहते हैं कि अगर मैं गंदा गाना ना गाऊं, अश्लील गाना ना गाऊं तो मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी। आज देख लीजिए मुझे, मैं घमंड के साथ नहीं कह रही हूँ बल्कि मुझे गर्व है कि आज मेरी पब्लिक मुझे साफ सुथरा छवि में पसंद कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम अश्लील गाना गाएंगे तभी लोग हमें पसंद करेंगे, तभी लोग हमारे गाने को सुनेंगे, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। आप साफ सुथरा छवि में गाइए और दुनिया एक न एक दिन आपको जरूर पसंद करेगी, हमारे ऑडियंस लोग जरूर पसंद करेंगे। तान्या झा के बारे में सुनी होंगी आप, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए उनका अपना सोच है, उनका अपना करियर है, उनका अपना सपना है, और मैं किसी के जीवन पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, जिसका जैसा सोच है वैसा वो करता है। हमारे भारत में लड़कियों को पर्दे के अंदर रखा जाता है, बाहर निकलने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है। आप इतने छोटे से गाँव से निकल करके आखिर कैसे वो दिमाग में आपके आया कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, या जब आप बाहर निकले तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? सबसे पहले देखिए मैं जब मैं पहले गाना गाती थी तो क्या हुआ था कि हमारे परिवार में एकता की भावना उतना नहीं रखते थे लोग, और कहते थे कि नहीं मुझे इससे गायकी नहीं कराना है, शायद आगे ना बढ़ पाए या अपने लाइन में कामयाब ना हो पाए। उसके बाद से क्या हुआ कि कभी कभी मैं टूट जाती थी उन लोगों के घर के लोगों का बात सुन के, लेकिन कभी कभी हिम्मत जुटा पाती थी कैसे भी करके। तो क्या हुआ कि जब मैं संघर्ष करना जारी कर दी, जब मैं दीवाना म्यूजिक कंपनी के मालिक रविंदर चौहान जी और हमारे कंपनी में जितने भी मेंबर लोग हैं
सारे लोगों ने हमें साहस दिया और ये लोग टूटने नहीं दिए, और कदम बाई कदम करके ये लोग हमको बोले कि बाबू आप आगे बढ़ो, आपकी आवाज अच्छी है, टूटो नहीं। उसके बाद से क्या हुआ कि मैं अपना संघर्ष जारी रखी और मुझे थोड़ा थोड़ा करके कामयाबी मिलने लगी, और परिवार के सारे लोग खुश हैं और आगे भगवान जाने। अब सबका सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दहेज बराबर गीत गाए थी जो बहुत वायरल हुआ था और लोगों ने बहुत तारीफ किया था। इस गाने को मैं सुनाती हूँ। भारत के बेटी रोवेली, भारत के बेटी रोवेली, बड़ी हो खत बरे बादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, दहेज हटा दी योगी जी, लेकिन के होत ना शादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, लेकिन के होत ना शादी बा, मजदूर गरीब के लेकिन के ना होला के सहारा जी, तिल तलाक हटौनी जैसे दहेज से दी छुटकारा जी, कानून बना दी दहेज पर हर बेटी फरियादी बा, दहेज मिटा दी मोदी जी, लेकिन के होत ना शादी बा। अच्छा आप एक बात बताइए, आपके जो राइटर हैं और आप, क्या आप लोगों ने एक तोता रखा है जो पर्चा निकालता है? क्योंकि जो भी आप लोग गाना गाते हैं या जो लिख के देते हैं वो सब वायरल होता है, आखिर कैसे ऐसा होता है? अब ये तो देखिए हमारी ऑडियंस का प्यार है, और शायद हमारी ऑडियंस यही चाहती है कि नहीं ये साफ सुथरा छवि में गीत गाए और ऐसे ही गीत को इस लड़की को दिया जाए, ऐसे ही गीत लेकर दिया जाए। और आपका आवाज भी है उसमें सबसे अहम, आपका आवाज है जो लोगों को पसंद आता है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में मम्मी पापा और भैया, हम और हमारी भाभी। भैया का सपोर्ट रहता है जी? दो दो हमारे भाई लोग हैं और घर में सबसे छोटी मैं ही हूँ, तो सारे लोग का सपोर्ट रहता है, सारे लोग खुश हैं। वैसे भी छोटे को बहुत सारा प्यार मिलता है परिवार में। गाने के अलावा आप पढ़ाई भी करती हैं या कुछ और करती हैं? नहीं, मैं इंटर फाइनल हूँ, और क्या हुआ कि हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी जिसके वजह से मैं आगे की पढ़ाई अपना जारी नहीं कर पाई। उसके बाद से मैं सिंगिंग करने लगी और इसी में लग गई मैं। क्या वो परिस्थितियाँ थी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए हमारे पिताजी क्या दो साल से बीमार है वो, और वो बीमार नहीं थे तभी हमारे घर की थोड़ी गरीबी होता है ना जी, आर्थिक किसी थोड़ा कमजोर था, इसी को वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाया। गरीबों के ऊपर भी आपने सॉन्ग गाया था, वो गाना कौन सा था जी? हित मित साथी संघाती मुह घुमावे लगेला, हित मित साथी संघाती मुह घुमावे लगेला, भैया गरीबी जब सतावे लगेला, भैया गरीबी जब रोवावे लगेला, अब काटे अपने सब देखावे लगेला, भैया गरीबी जब सतावे लगेला, भैया गरीबी जब रोवावे लगेला। हमारा ऑफिशियल पेज है पूनम कुशवाहा ऑफिशियल पेज, हमारा यूट्यूब चैनल हमारा है, इस पे आप लोग सर्च कीजिएगा पूनम कुशवाहा ऑफिशियल, पूरा गाना आएगा, बहुत ही प्यारा यह गीत हमारा है, और लाइन बाय लाइन आप लोग सुनिएगा और विचार कीजिएगा। हमारे साथ पूनम कुशवाहा जी के राइटर हैं। यूपीजी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपीजी न्यूज के माध्यम से जितने लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको सादर प्रणाम है और आपको दिल से धन्यवाद है। और मैं बता देना चाहता हूँ इनके, मैं पर्सनल राइटर नहीं हूँ, मैं इनका कंपनी मालिक हूँ और मैं गीत लिखता हूँ, लेकिन मैं किसी और कलाकार के लिए नहीं लिखता, क्योंकि मेरे पास डिमांड आता है केवल सब ढोंगी पे आता है, तो ढोंगी ओढ़ी मैं लिखता नहीं हूँ थोड़ा सा। क्या आप लोग रिकॉर्ड बनाने वाले हैं अश्लीलता को दूर करके साफ सुथरा गाना गा करके समाज में एक नया संदेश देने वाले हैं? देखिए सबसे पहले हर कोई कुछ ना कुछ बनाता है इस फील्ड में कि हम ये बनाए या वो बनाए और इसे मेरा नाम हो, तो हम लोगों ने शुरू में जब मैंने इनको संगीत सिखवाया और इनको इस फील्ड में उतारना था, तो मैं हमने दिमाग लगाया, सोचा कि मान लीजिए हर कोई गंदगी गा रहा है और इनको भी गंदगी में उतारा जाए
और ये सक्सेस ना हो, सफल ना हो, नाम ना हो, तो फिर उस गंदगी में उतारने से अच्छा है कि एक बार साफ सुथरे में उतारा जाए, क्योंकि साफ सुथरा में कोई काम करता नहीं है। तो हम लोगों ने, हमारी टीम में लगभग 12 से 15 लोग हैं, सब हम लोग मिल के इस पर विचार विमर्श किए कि इस फील्ड से हम लोग को चलना है। तो हमको किसी और से गीत लिखवाने की जरूरत पड़ता नहीं है, हम खुद लिखते हैं। हमने खुद रिसर्च करना चालू किया कि बिहार के लिए क्या चाहिए, यूपी के लिए क्या चाहिए, हमारे समाज के लिए क्या चाहिए, और हम लोगों ने उस चीज़ को बनाया और हम लोगों ने उसका कमेंट पढ़ा, जिसमें किसी में 10,000, किसी में 20,000 ऐसे कमेंट हम लोग पढ़े, मिलियन बाई मिलियन उस कंटेंट को चलते हमने देखा। तो हम लोग बोले कि भाई गंदगी से अच्छा है कि इसी को बनाया जाए और समाज में दिया जाए, ताकि लोग अपने घर पे एक साथ में बजा कर सुने। जी, अपने जिला के ऊपर आप एक सॉन्ग गाई थी, बहुत वायरल हुआ था, वो गाना कौन सा था? हमारा गाना बहुत ही प्यारा है और दीवाना म्यूजिक फिल्म से यूट्यूब पे आ चुका है गाना, हमारा वीडियो सहित हम लोग दिए हैं गाने को और काफी चल रहा है गाना। घूमे खाती आवेला विदेशी लोग सगरी हो, घूमे खाती आवेला विदेशी लोग सगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो, बाटे एयरपोर्ट पर के चमकत डगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो, साहू पैलेस पड़ रौना सहरिया बा, धामरम कोला धर्म समदा मंदिरिया बा, साहू पैलेस पड़ रौना सहरिया बा, माई दरबार एगो सजत खिड़किया बा, सोभे खानवार कुबेर स्थान सगरी हो, रूह के लटेन तमकू ही दुदही सगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो, जिला कुशीनगर हो बुद्ध जी के नगरी हो। हमारे साथ मौजूद थी पूनम कुशवाहा, जिनको वायरल गर्ल कहा जाता है, और ऐसे बहनों के ऊपर हमें ही नहीं पूरे भोजपुरी समाज को गर्व होना चाहिए। तो ऐसे सिंगरों को बढ़ावा दीजिए, ऐसे बहनों को सपोर्ट करिए, क्योंकि ऐसी बहन सपोर्ट पाएंगी, समर्थन पाएंगी, तो अपना ही नहीं अपने समाज का नाम भी बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर तक ले जाएंगी। और उन अश्लील सिंगरों और अश्लील जो वीडियो बनाने वाले हैं उनको आप समर्थन करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग इस समाज में केवल अश्लीलता ही परोसेंगे, और ऐसे बहनों को आप सपोर्ट करेंगे तो ये बहन अपने साथ साथ हमारा, आपका और पूरे समाज का नाम कहीं ना कहीं रोशन करेंगी। जय हिंद, जय भारत।